ओके सो वेलकम टू टेलीग्राम। सो सबसे पहले तो लुक के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत लग रही है, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। द क्रेडिट गोज़ टू द क्रिएटिव टीम, हेयर, मेकअप, ड्रेस, उन्होंने मुझे इतना अच्छा बनाया है। ओके, क्या शूट हो रहा है, डांस सिक्वेंस है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये हम अभी नथ के सेट पर हैं और हम नथ के लिए महासंग्राम एपिसोड के हम शूट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक डांस परफॉर्मेंस है और एक सीन है जो महुआ और ऋषि दोनों एक दूसरे के साथ परफॉर्म करेंगे। वो है गेट टुगेदर होकर कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अभी एक शो में एक साथ परफॉर्म करने वाला है, कैमरा से बहुत अच्छा लगता है। और डांस करके कितना मज़ा आ रहा है? डांस करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे चांस मिला मेरे फेवरेट गाने पर डांस करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लास्ट में जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँगी दिवाली के मौके पर? तो हैप्पी दिवाली एवरीवन, आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से दिवाली स्पेंड कीजिए और हमें आपका प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय अविनाश, वेलकम टू टेलीग्राम। हेलो, थैंक यू। सो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। और दिवाली के मौके पर गेट टुगेदर हुआ है दंगल टीम का, क्या कहना चाहोगे? सारे परिवार एक हुआ, बहुत अमेजिंग फील है, बिकॉज सारे परिवार एक साथ वापस आ गए हैं और एक महा एपिसोड कर रहे हैं, महासंग्राम कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली सब कलीग्स हैं, हम लोग फ्रेंड्स भी, हम बहुत सालों बाद मिले हैं, तो वो एक फील है साथ में परफॉर्म करना, साथ में सीन्स करना, तो मज़ा आता है जब सारे शोज़ के एक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऐसा साल में 2-3 इवेंट होते हैं एंड वी रियली वेट फॉर दैट इवेंट कि सब एक साथ मिलें और साथ में बहुत सारे सीन्स करें। धमाल होता है, मज़ा आता है, इट्स फन। मतलब उस टाइम पे आप थोड़ा सा भूल जाते हो कि वर्क जोन हो, इट्स लाइक अ फन जोन फॉर। ओके, आपका हम जब शो फॉलो करते हैं, शो देखते हैं, तो काफ़ी ड्रामा सब होता है, बट यहाँ पर डांस सिक्वेंस आप दोनों के बीच में देखने मिला, क्या कहना चाहोगे? कितना एंजॉय करते हो डांस? वेल, डांस इट्स लाइक मतलब फन ही है। मतलब हम तो चाहते हैं कि ऐसा डांस वाला सीन आता है, बट डांस शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इफ़ वी गो टू द फुटेज वाइज, तो वो हम लोग कभी कभी स्किप कर जाते हैं, बट ऐसा जब डांस वाला जोन आता है तो मज़ा ही आता है ऑब्वियसली कि हाँ चलो आज डांस पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली रिहर्सल पार्ट हो गया, मेकिंग पार्ट हो गया, वो सब। अगर आप BTS देखो तो बहुत एकदम एंटरटेनमेंट जोन होता है हमारे लिए भी, तो ऐसा जब डांस आता है तो हम बहुत इन्जॉय करके करते हैं और फिर कैमरे पर तो हम और ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं। ओके, आर्यन जब डांस कर रहे थे, महुआ काफ़ी नाराज़ थी, क्या चल रहा था ये जानना चाहेंगे? क्यों आखिर नाराज़? रहने दो नाराज़, हम डांस कर रहे हैं, एंजॉय करेंगे ना यार, छोड़ो ना, नाराज़ है तो रहने दो। तो महुआ और आर्यन के बीच में दिवाली के मौके पर नाराज़गी कैसी? नाराज़ होना, मनाना, ये सब तो चलता रहता है, तो नाराज़ है तो रहने तो मनाने की बात, दिवाली है, कोई कितना ही नाराज़ रहेगा। ओके, अविनाश से अगर पर्सनली पूछे, दिवाली जब आती है तो सबसे पहले क्या कुछ तैयारियाँ? और मिठाई, जैसे दिवाली फॉर मी मिठाई। अब पटाखे तो हम वैसे भी नहीं जलाते, मना भी करते मत करो, तो दिवाली में बैठो अपने दोस्तों के साथ, दिवाली पार्टी मनाओ, खाओ पियो, दैट्स इट। वो तो छुट्टी का दिन है तो उसको एंजॉय करो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सो दैट मीन्स दिवाली आपके लिए चीट डेज होता है? चीट डेज अब भी सच बताऊँ तो डेली चल रहा है, देयर इज नथिंग लाइक कि मैं एक प्रॉपर स्पेसिफिक डे पे जाऊँगा चीट डे करने, अभी डेली चल रहा है। ओके, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट लव एंड सपोर्ट। एंड दिवाली आ रही है तो हैव अ वेरी सेफ दिवाली, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें अगर फैमिली के साथ है तो, और अगर नहीं भी है तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड आप दिवाली को अच्छे से इन्जॉय करें, हर साल एक ही बार आता है जो भी फेस्टिवल है, तो उसको जाने मत, तो उसको एंजॉय करो अच्छे से, बिकॉज टाइम चला जाएगा यार, वापस नहीं आएगा, सो एंजॉय एवरी मोमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।